ये है कनाडा का स्कूल, पब्लिक स्कूल ऐसे होते हैं यहाँ पे स्कूल कनाडा। देखिए सारा इसका पीछे प्लेग्राउंड है, देख लो ये स्कूल यहाँ का और ये पीछे इसका प्लेग्राउंड कितना बड़ा है। ऐसे होते हैं स्कूल्स कनाडा के अंदर। ये देख लो भाई मिनी पंजाब कनाडा के अंदर तो पार्क है, और पार्क में सारे अपने सरदार भाई सरदार को बैठे हैं गपशप के लिए। ये देख लो ये गाड़ी है आइसक्रीम की रेडी कनाडा के अंदर, ऐसे बेची जाती है आइसक्रीम कनाडा के अंदर। जैसे गाड़ी आती है गलियों में घूमती है। ये है इनका प्रोटेस्ट करने का तरीका, देखो कैनेडियंस का। ये अपने धर्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें रोड पे कह रहे हैं कि हॉर्न बजाओ। अपना रोज पकड़ कर सकते हैं अपने मालिक का दिन। हेलो फ्रेंड, जैसे आपको पता ही है कि मैं यहाँ पे टेस्ट ड्राइव की तैयारी कर रहा हूँ। जी वन मेरा क्लियर हो गया था, तो अभी जी की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए व्हीकल यहाँ पे करना पड़ता है पहले अपनी ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग के लिए मैंने एक गाड़ी हायर कर रखी है जो कि तकरीबन $40 पर डे की चार्ज करती है, और जिस दिन टेस्ट होगा आपका उस दिन $40 प्लस $200 आपके अपनी गाड़ी देने के वो चार्ज करते हैं। तो अभी वो आने वाले हैं, तो जैसे वो भाई साहब आते हैं तो उनके साथ जाते हैं टेस्ट ड्राइव के लिए। वैसे मैं 2-3 क्लासेस उनसे दे चुका हूँ और 4th क्लास है मेरी आज, तो उसके बाद डायरेक्टली हम देने के लिए टेस्ट ही जाएंगे अपने, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था। अगर आपका इंडिया का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको G2 भी देना पड़ेगा। अगर इंडिया का एक्सपीरियंस आपके पास है तो G2 आपका स्किप हो जाएगा, डायरेक्टली आप G दे सकते हो। तो जो आपको बता दूँ, जो G लाइसेंस है ये फुल लाइसेंस होता है कनाडा के अंदर। आप इसके G लाइसेंस पे फुली गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं सिटी के अंदर भी और हाईवेज पे भी। तो G लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप कहीं भी ड्राइव कर सकते हैं। G1 पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो फिर किसी वीडियो में बताऊँगा आपको मैं। तो जैसे ही अपनी गाड़ी आती है फिर हम चलते हैं अपने जी की ट्रेनिंग के लिए। ये आ गई अपनी गाड़ी, ये है कुछ माहौल कनाडा का मॉर्निंग का है। सुबह भी जल्दी हो जाती है और रात को 9 बजे तक 9:30 बजे तक ही धूप रहती है, तो मैंने देखा यहाँ पे आके। ये है कुछ एरिया कनाडा का जहाँ मैं रह रहा हूँ ब्रैम्पटन में।